नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में और दोस्तों जो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट बी एस एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर होने वाला है उसका एक वीडियो पहले से ही इस चैनल पर डाला जा चुका है और और भी वीडियो इस चैनल पर डाले जाएंगे और दोस्तों आप लोगों को वीडियो से संबंधित जितने भी पी नोट्स चाहिए आप हमसे संपर्क करके पी नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन ज्वाइन कीजिए उस ग्रुप को वहाँ से आपको आसानी से पी प्राप्त हो जाएगा और दोस्तों आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो के मुख्य टॉपिक पर दोस्तों और देखते हैं आज के क्या प्रश्न है जो कि कल पेपर में आने वाले हैं दोस्तों दोस्तों एक और बात ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो में जितने प्रश्न को शामिल किया गया है वो पूर्णतः सिलेबस आधारित प्रश्न है और इसी से ही पूछा जाएगा दोस्तों जैसा कि पिछला बार मैंने बताया था ठीक उसी से जो प्रश्न था पेपर में पूछा गया था जितने छात्र वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा तो इसलिए इस वीडियो को भी ध्यान से देखें और बारीकी समझते जाए दोस्तों तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और अपने मुख्य टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं दोस्तों कि क्या प्रश्न है और इसका क्या अर्थ है तो दोस्तों सबसे पहला है कम्युनिकेशन किस भाषा का शब्द है तो दोस्तों कम्युनिकेशन लैटिन भाषा का शब्द है जो कि कॉम्युनिस्ट शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कॉमन यानी सम्मान सामान्य ठीक है दोस्तों यानी कम्युनिकेशन किस भाषा का शब्द है तो दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों मेरा ये दावा है कि अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आप सोते सोते भी इसको याद कर लेंगे और पेपर में अपना जो है इसका उत्तर दे पाएंगे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों में दोस्तों वीडियो में तो आ वीडियो में आ तो गए हैं लेकिन वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मजा आइएगा क्योंकि दोस्तों वीडियो को छोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ अधूरा ज्ञान और अधूरा प्यार क्या करता है पिट देता है इसलिए पिटने से बचना है और समझना है और पेपर को बढ़िया सॉल्व करना है दोस्तों तो देखते हैं अगला और दोस्तों अगला है संचार का सबसे पुराना तरीका क्या है तो दोस्तों जो संचार होता है उसका सबसे पुराना तरीका होता है मौखिक भाषण ठीक है दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों भाषण होता है और दोस्तों आगे देखते हैं और आगे है दोस्तों सुनने की प्रक्रिया में क्या शामिल है तो दोस्तों अगर आप सुनते हैं किसी चीज़ को किसी बात को तो उसमें क्या शामिल है डाटा प्रोसेसिंग डाटा का पुनर् पुनर्निर्माण यहाँ पर पूरा निर्माण लिखा हुआ है जो कि गलत है लेकिन यहाँ होगा पुनर्निर्माण ठीक है दोस्तों यानी डाटा प्रोसेसिंग और डाटा के पुनर्निर्माण होता है सुनने की प्रक्रिया में शामिल और दोस्तों आगे देखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है अरस्तु के अनुसार संचार के कितने मॉडल हैं तो दोस्तों जो अरस्तु थे उनके अनुसार संचार के तीन मॉडल थे जिसमें पहला क्या था दोस्तों पहला था स्पीकर यानी वक्ता और दूसरा था स्पीच यानी भाषण और तीसरा था दोस्तों श्रोतागण यानी ऑडियंस ठीक है दोस्तों अरस्तु के अनुसार संचार के तीन मॉडल थे और दोस्तों आगे है पढ़ना एक कैसी प्रक्रिया है तो दोस्तों जो पढ़ना पढ़ना एक प्रक्रिया है वो क्या है दोस्तों डी ठीक है पढ़ना एक क्या है दोस्तों एक डी कोडिंग प्रक्रिया है यहाँ पर डी कोडिंग लिखा हुआ है पर गलत है लेकिन आपको क्या याद करना है डी कोडिंग ठीक है दोस्तों पढ़ना एक डी कोडिंग प्रक्रिया है अब मैं समझाता हूँ दोस्तों डिकोडिंग क्या होता है दोस्तों डिकोडिंग अगर आप किसी मैसेज को पढ़ते हो और उसको आसान भाषा में बनाकर उसको समझते हो तो उसी को डिकोडिंग बोला जाता है ठीक है और दोस्तों आगे है सार्वजनिक बोलचाल को और क्या कहा जाता है दोस्तों दोस्तों तो जो सार्वजनिक तो 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 बोल होता है उसको ओरेशन या ओरेटरी भी कहा जाता है क्या दोस्तों ओरेशन या ओरेटरी भी कहा जाता है और दोस्तों बिल्कुल यही प्रश्न आएगा ये मेरा दावा है क्योंकि ये सभी जो प्रश्न है सिलेबस आधारित प्रश्न है और दोस्तों आगे देखिए और आगे है दोस्तों जानकारी ग्रहण करने के लिए प्राथमिक कौशल कौन सा है दोस्तों तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता करना हो तो आप क्या करते हैं उसका अध्ययन करते हैं और कौन सा अध्ययन करते हैं दोस्तों तो पठन अध्ययन यानी पढ़ते हैं आप उसको रीडिंग करते हैं तो जो जानकारी ग्रहण करने का सबसे प्राथमिक तरीका कौन सा है दोस्तों वो है पठन कौशल और दोस्तों आगे देखा जाए और तो दोस्तों आगे है सार्वजनिक बोलचाल के लिए सुझाव इसका तात्पर्य यह हुआ दोस्तों अगर कि आप सार्वजनिक बोलचाल का मतलब क्या होता है अगर आप वक्ता हैं भीड़ में बोलना है तो उसके लिए क्या सुझाव क्या क्या सुझाव होते हैं दोस्तों तो वो सुझाव इस प्रकार है तैयारी सबसे पहले आपको तैयारी करना चाहिए कि हमें किस टॉपिक पर बोलना है और क्या बोलना है ठीक है दोस्तों और बोलते समय आपको श्रोताओं से जुड़ा जुड़ना चाहिए अब इसको मैं समझाता हूँ कि ये श्रोताओं से जुड़ना क्या होता है अगर आप गए हैं भाषण देने के लिए लखनऊ या पटना तो आपको उस भाषण में लखनऊ या पटना के जैसे लखनऊ का लहंगा मशहूर है तो आपको क्या बोलना होगा कि लखनऊ यानी वहाँ से आपको वहाँ लखनऊ से आपको जमीनी स्तर से जुड़ाव वाला कोई ऐसा चीज़ प्रस्तुत करना जो कि वहाँ के लोगों को पसंद आई से बोलते हैं श्रोताओं से जुड़ना यानी लखनऊ का लहंगा के बड़ाई कर देना और पटना गए हैं तो पटना में जो बिहार के लिट्टी चोखा मशहूर है उसको बड़ाई कर देना तो ये हो गया क्या दोस्तों श्रोताओं से जुड़ना और आगे है दोस्तों आई कॉन्टेक्ट अगर आप भाषण दे रहे हैं तो आपको श्रोताओं से जुड़े रहना अति आवश्यक है ठीक है दोस्तों क्योंकि अगर आप श्रोता से जुड़ेंगे नहीं तो क्या होगा ऐसा होगा कि श्रोता आपको उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे तो आपका भाषण देना क्या होगा बेकार हो जाएगा इसलिए श्रोताओं से आई कॉन्टेक्ट हमेशा मिलाए रखना और दोस्तों आगे क्या है दोस्तों हमेशा सकारात्मक रहना जैसा कि दोस्तों अगर आप मंच पर चढ़ गए हैं और बार बार आप पीठ खुजला रहे हैं तो जो श्रोता है दर्शक हैं वो आपको आपका पीठ खुजलाते हुए देखने के लिए नहीं आए हैं बल्कि आपको आपका प्रदर्शन देखने के लिए आए तो इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक रहना होगा और क्या करना है दोस्तों अपने टॉपिक पर बने रहना है ठीक है दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं इसको बताइए और अगर कोई परेशानी हो कोई समस्या हो तो आप उसको कमेंट करके बिल्कुल बताइए दोस्तों और दोस्तों हाँ जो आज का पेपर का सोल्यूशन था प्लांटेशन क्रॉप का उसका आंसर की डल चुका है चैनल पर दोस्तों जाकर उसको देख लीजिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कमेंट करके कि दोस्तों आज आज आपका प्रश्न कितना सही हुआ ठीक है दोस्तों और आगे देखते हैं और आगे है दोस्तों समूह चर्चा में किस आधार किस आकार में बैठा जाता है हाँ दोस्तों इसको ध्यान दीजिए ये प्रश्न पूछा ही जाएगा ठीक है कल आप कमेंट करके बोल सकते बता सकते हैं कि सर पूछा गया नहीं क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये प्रश्न पूछा ही जाएगा दोस्तों क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत और बहुत बार पूछे भी गए हैं एक्सटेंशन के एग्जाम में तो दोस्तों प्रश्न क्या है प्रश्न क्या आ सकता है समूह चर्चा में किस आकार में बैठा जाता है तो दोस्तों जो समूह चर्चा होता है ग्रुप डिस्कशन उसमें लोग वीरीताकार या अर्धविरीताकार अवस्था में बैठते हैं ठीक है दोस्तों तो यानी अगर आप पाँच दोस्त हो गए तो आप एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ बैठ आपस में जो ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उसका जो आकार होता है क्या होता है वीरीताकार यानी गोला होता है सर्किल होता है राउंड होता है और इसके अलावा क्या होता है दोस्तों इसके अलावा जो ग्रुप डिस्कशन है उसको आप अर्धविरीताकार यानी आधे गोले के आकार में बैठकर भी ग्रुप डिस्कशन चलता है ठीक है दोस्तों जैसे कि आप लोग तीन दोस्त हैं तो एक यहाँ बैठ गया एक यहाँ बैठ गया और एक यहाँ बैठ गया और ग्रुप डिस्कशन चलने लगा ठीक है दोस्तों और ग्रुप ग्रुप डिस्कशन चलने लगा तो जानते हैं आप दोस्त तीन दोस्त जब इकट्ठा होते हैं तो क्या होता है हाँ ठीक है और अब आगे देखते हैं दोस्तों और आगे है समूह चर्चा में सदस्यों की गिनती कब की जाती है जैसा कि दोस्तों आज ग्रुप डिस्कशन होने वाला है ठीक तो उसमें शामिल होने वाले सदस्यों की गिनती कब की जाती है आप यानी इसका तात्पर्य हुआ कि आप सदस्यों की संख्या कब निर्धारित करेंगे कि कितने सदस्य इस ग्रुप में शामिल होंगे ग्रुप डिस्कशन में शामिल होंगे तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अगर इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको सही उत्तर देना बताना होगा आयोजन से पहले ठीक है दोस्तों यानी ग्रुप डिस्कशन के जो आयोजन होता है उससे पहले आपको तय करना होता है कि इस इस डिस्कशन में कितने लोग शामिल होंगे दोस्तों और आगे देखते हैं समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन इसको इसको इसका परिभाषा समझते हैं दोस्तों क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप इसका परिभाषा मात्र समझ जाते हैं तो आप इसे संबंधित लगभग तीस या चालीस परसेंट प्रश्न को सोल्व कर देंगे क्योंकि दोस्तों ये ये जो सब्जेक्ट है इसमें कोई विशेष तरह के आंकड़े नहीं दिए गए हैं कोई भी नहीं दिया गया है इसमें क्या है कि दोस्तों ये पढ़ने और समझने वाला विषय इसलिए आप इसका जो ये है क्या बोलते हैं परिभाषा डेफिनेशन को समझिए इससे आपको बहुत मदद मिलेगी और दोस्तों अब समझते हैं इसमें क्या हुआ क्या क्या है दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने बैठकर किसी समस्या के समाधान किसी समस्या के समाधान तलाशते हैं एवं सहमत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो इसे समूह चर्चा कहते हैं दोस्तों तो आपको समझ में आ रही है आ रही है तो ठीक है नहीं आ रही तो मैं समझाता हूं दोस्तों देखिए बात ऐसा है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आमने सामने बैठकर यानी आमने सामने बैठेंगे तो भाई जाहिर सी बात है वकार क्या होगा वीरितकार होगा ठीक है आमने सामने बैठकर किसी समस्या का समाधान तलाशते हैं और सहमत निष्कर्ष पर पहुँचते हैं तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों तो समूह चर्चा कहा कहाता कहा जाता है दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि जो बताया जा रहा है आप इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं और दोस्तों समझना आपके लिए ज़रूरी भी है दोस्तों क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो आप जाकर परीक्षा हॉल में सिर्फ लाइट और पंखा गिनेंगे ठीक है और एक बात ये भी है आप इस लेक्चर को पूरा ज़रूर सुनिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोग तो दस पंद्रह बीस मिनट ऐसे ही गाना सुनने में गुजार देते हो जितने आजकल गाना आ रहे हैं जैसे काचा बादाम हो गया तेरा नाम धोखा रख दूँ इन सब गानों में समय बर्बाद कीजिएगा तो आप सिर्फ पंखा ही गिनिएगा अगर आप इस वीडियो में समय आपका लगता है तो आपका समय कामयाब होगा और कल पेपर का मर्डर करेंगे आप और दोस्तों आगे देखते हैं लघु समूह चर्चा में लोगों की संख्या कितनी होती है दोस्तों ये भी भी आई प्रश्न है ठीक ये क्या है वी वी आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसको कल पूछा जा सकता है दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा तो लघु समूह चर्चा यानी छोटा ग्रुप डिस्कशन में लोगों की संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों बीस से पच्चीस ठीक है दोस्तों लघु ग्रुप चर्चा लघु ग्रुप डिस्कशन और 20 से 25 लोगों का होता है और दोस्तों आगे देखेंगे जेपी पी लिग्नस के जेपी पी लिगन्स के संचार के तत्व यानी जेपी पी लिगन्स एक वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार संचार के कितने तत्व हैं दोस्तों तो उनके अनुसार जो है संचार के तत्व हैं वो छः हैं ठीक है वो छ छः है ठीक और दोस्तों आगे है आगे एक वैज्ञानिक का नाम लिखा हुआ है दोस्तों वैज्ञानिकों का नाम याद करने से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि इसमें तो कोई विशेष आंकड़ा है नहीं तो इसमें जो है वैज्ञानिक ही महत्वपूर्ण है इसलिए आपको वैज्ञानिक नाम को याद करना होगा और दोस्तों अगर आप लोग किताब पढ़े होंगे तो आप लोग आप लोगों को हल्का हल्का याद जरूर आ रहा होगा या तो पूरी याद होगी तो दोस्तों आगे है कैनथ ब्रुक में कितने कैनथ कैनथ ब्रुक के कितने संचार मॉडल हैं यानी जो या एक वैज्ञानिक हैं इनके अनुसार जो है संचार के मॉडल so, है. कितने हैं si <language> है, दोस्तों है, संचार के कितने एलिमेंट्स तत्व हैं तो दोस्तों इनके अनुसार पाँच तत्व हैं कितने पाँच जे पी लिगनस के अनुसार छः और कैनथ ब्रुक के अनुसार पाँच ठीक है दोस्तों और आगे है अरस्तु यानी अरिस्टोटल मॉडल में संचार के कितने तत्व हैं दोस्तों तो इसका इसका है तीन तत्व जो कि होता है स्पीकर स्पीच एंड ऑडियंस ठीक है दोस्तों स्पीकर स्पीच एंड ऑडियंस क्या है ये एस्टोटल तो द्वारा दिया गया संचार का एक मॉडल है कम्युनिकेशन एलिमेंट्स है मॉडल है आप कह सकते हो दोस्तों आगे देखते हैं और आगे है दोस्तों नोट्स लेखन के कितने विधि हैं दोस्तों नोट्स लेखन के दो विधियाँ हैं ठीक है कितने विधियाँ हैं तो दो विधियाँ हैं नोट्स लेखन की दो विधियाँ आप इसको याद कर लो अच्छी तरह से क्योंकि ये आपसे पूछ दिया जाएगा क्योंकि ये सिलेबस का प्रश्न है और दोस्तों आगे है नोट्स कैसा होना चाहिए दोस्तों तो दोस्तों नोट्स हमेशा क्या होना चाहिए संक्षिप्त होना चाहिए छोटा होना चाहिए ठीक है दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ओ एच टी का पूरा नाम क्या है यानी फुल फॉर्म ऑफ ओ एच टी दोस्तों आपको यहाँ समझना होगा ये बात कि ओ एच टी होता है उसका पूरा नाम क्या होता है तो दोस्तों इसका पूरा नाम होता है सबसे पहले जानिए ओवर हेड ट्रांसपेरेंसी क्या होता है दोस्तों ओवर हेड ट्रांसपेरेंसी और दोस्तों आगे क्या है और ओ के बारे में एक और यहाँ पे बात दिया हुआ है ओवरहेड प्रदर्शिता ट्रांसपेरेंसी का मतलब प्रदर्शिता होता है यानी ओवरहेड प्रदर्शिता के अंदर हमेशा छोटा शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों तो ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी कब बोला जाएगा जब जब पर, जब शब्दों का संख्या कम हो सब छोटे हो तो, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों ओवर प्रदर्शिता जैसा कि आप लोग उदाहरण का यूज करते हैं सॉरी उदाहरण मुहावरे का यूज़ करते हैं लोकहत्या का यूज़ करते हैं किसी बात को कहने में तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों ओ एच टी और दोस्तों बिल्कुल बारीकी से समझिएगा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे है डायरी ये डायरी दूध वाला डायरी नहीं है दोस्तों ये लिखने वाला डायरी है ठीक है जैसे डायरी लिखी जाती है इसका संबंध लिखने वाला डायरी से है और आगे है दोस्तों समझिए यहाँ पे डायरी यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें डाटा एकत्रित किया जाता है ठीक है दोस्तों डायरी क्या है इसमें डाटा एकत्रित किया जाता है और दोस्तों सिलेबस में एक और बात लिखा हुआ है फील्ड डायरी क्या है तो दोस्तों साधारण बात है जब फील्ड में जाएँ फील्ड का डाटा जिसमें आप एकत्रित करते हैं उसको क्या बोलेंगे फील्ड डाटा डायरी क्या फील्ड डायरी बोल सकते हो आप और दोस्तों आगे देखिए इंडेक्स को समझते हैं इंडेक्स क्या होता है और दोस्तों इंडेक्स जो है वो टाइप ऑफ इंडेक्स सबसे पहले जानेंगे अनुक्रमणिका के प्रकार यानी इंडेक्स को हिंदी हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों अनुक्रमणिका साधारण तौर पर आप लोग इंडेक्स देखे होंगे जैसे आप, आप लोग किसी किताब किसी किताब खरीदते हैं कोई किताब खरीदते हैं तो उस पर शुरू में ही इंडेक्स दिया हुआ होता है तो जैसे चैप्टर हो गया पेज नंबर हो गया उसके बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें दिया हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों इंडेक्स और आइए हम समझते हैं इंडेक्स क्या होता है विस्तार से और दोस्तों सबसे पहले है व्याख्यात्मक ये इंडेक्स का एक प्रकार है तो इंडेक्स का जो प्रकार है व्याख्यात्मक ये एक पहला प्रकार है इंडेक्स का यानी अनुक्रमणिका का पहला प्रकार व्याख्यात्मक है और दूसरा प्रकार है दोस्तों वार्ड गम्यात्मा ठीक है दोस्तों यानी ये जो दूसरा प्रकार है इंडेक्स का अनुक्रमणी का ये है वार्ड गम्यात्मक और तीसरा प्रकार है दोस्तों जो है विषय अनुक्रमणिका ठीक है दोस्तों तो इसमें क्या किया जाता है दोस्तों इसमें पूरी तरह से व्याख्या किया जाता है और इसमें क्या होता है दोस्तों तत्वों का खोज का जानकारी प्रस्तुत किया जाता है और दोस्तों इसमें है विषय अनुक्रमण किया इसमें जो जैसे कि आप लोग साधारण किताब में देखे होंगे कि पाठ का नाम ये हो गया और इतने नंबर पेज में दिया हुआ है और इसके बारे में इसके अंतर्गत आपको ये ये चीज़ें पढ़नी है ठीक है दोस्तों इसके अंतर न्त, इसके अंतर्गत ये आता है और दोस्तों आगे देखते हैं आगे है दोस्तों आई एफ एल ए इफला या आई एफ एल ए इसको शॉर्ट में बोला जाता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएसन क्या होता है दोस्तों इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन और दोस्तों यार या आप यहाँ आइए और देखिए लिखा हुआ है आई एफ एल ए का क्रोश सम्मेलन कब हुआ सॉरी फ्रांस सम्मेलन कब हुआ दोस्तों तो आई एफ एल ए यानी इफला का जो फ्रांस में सम्मेलन हुआ था 1961 में हुआ था ठीक है दोस्तों कब हुआ था तो 1961 में दोस्तों बिल्कुल बोर मत होइए आज आप इतना समय इस वीडियो को वीडियो में व्यतीत करेंगे तो ये समय है कल आपके लिए सोना साबित होगा दोस्तों ये मेरा दावा है तो दोस्तों वीडियो में बने रहें भागने का कोशिश बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि मैं जानता हूँ मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि लड़के क्या करते हैं भागने लग भागने लगते हैं लेकिन घाटा क्या होता है परेशानी दिक्कत क्या होती है आधा ज्ञान तो खतरनाक होता ही है और आधा ज्ञान हमेशा क्या करता है बीच चौराहे पर पिटवा देता है इसलिए भागी मत बने रहिए वीडियो में दोस्तों और दोस्तों कोई परेशानी हो किसी तरह के परेशानी किसी तरह के प्रश्न हो आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हो इसके लिए कोई मनाही नहीं है और रिप्लाई भी दिया जाएगा इसमें यह नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं दूंगा रिप्लाई भी दिया जाएगा आप लोगों का और दोस्तों आगे देखते हैं आगे है दोस्तों एक वाक्य में कितने नोट होते हैं तो दोस्तों एक वाक्य में सिर्फ एक नोट्स होते हैं कितने सिर्फ एक यानी जैसा कि आप लोग एक जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ एक वाक्य में कितने फुट नोट होते हैं तो दोस्तों कितने फुट नोट होते हैं दोस्तों तो आपको क्या 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 लिखना होगा क्या उत्तर देना होगा सिर्फ़ एक कितना दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ एक ठीक है दोस्तों और दोस्तों इसी तरह से अगर प्रश्न आ जाएगा कि एक पिज में यानी एक पेज में कितने फुट नोट होने चाहिए दोस्तों तो वो होता है चार से पाँच अब दोस्तों समझिए फुट नोट क्या होता है फुट नोट का मतलब दोस्तों ये होता है जैसे एक पाना आपने कुछ चीज़ें लिखा एक पेज लिखा और उसमें जो तीन या चार या पाँच अधिकतर पाँच होता है पाँच ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों को सबसे नीचे लिख दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों फुट नोट बोला जाता है दोस्तों तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में कुछ लगेगा नहीं और आपका फ़ायदा ये होगा कि आने वाले जितने भी पेपर हैं उनका उनसे रिलेटेड इस इसमें वीडियो आपको मिल जाएगा और आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी मिल जाएगा तो दोस्तों देर किस बात की आपको सब्सक्राइब कर लेना बनता है और वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों क्योंकि मेहनत लगाकर बनाया जाता है वीडियो आप लोगों के लिए आप लोगों के फायदा के लिए और आप लोग जब लाइक कर वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं भाई छात्रों को समझ में आया और छात्रों ने मुझे सपोर्ट किया ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि भी दोस्तों ठीक है दोस्तों